अफगानिस्तान ने कंगारुओं से लिया बदला खास, वर्ल्ड कप में किया ऑस्ट्रेलिया को तबाह। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को यहां पर इस मुकाबले में 21 रनों से मात दे दिया है, सुपर 8 को दिलचस्प बना दिया है। बदला खास है, 7 नवंबर 2023 याद करिए वो तारीख जब ग्लेन मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी के कारण अफगानिस्तान टीम वो जीता जिताया मुकाबला हार जाता है, जहां पर वो कंगारू टीम के 91 रनों पर 7 विकेट ले चुके थे। ऐतिहासिक साझदारी होती है पैट कमिंस और मैक्सवेल के बीच और अफगानिस्तान टीम के हाथों निराशा लगती है। वो अफगानिस्तान टीम जो उस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा था कि अगर वहां पर जीते तो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वहां पर मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी ने भैया धो डाला था अफगानिस्तानी गेंदबाजों को, लेकिन आज उसी कंगारू टीम से, उसी मैक्सवेल के टिकने के बावजूद यहां पर मुकाबला अपने नाम किया है। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे लग रहा था कि 7 नवंबर 2023 फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है, फिर से वही मैक्सवेल टिक गए थे, अड़ गए थे, डट गए थे कि नहीं मेरे रहते तो आप ये मुकाबला नहीं जीत कर जा सकते, चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए, चाहे राशिद खान को फेंकवा लीजिए, चाहे नूर अहमद को फेंकवा लीजिए, चाहे मोहम्मद नबी को फेंकवा लीजिए, मैं मुकाबला जीतने नहीं दूंगा। लेकिन गुलबदीन नाइब अलग सोच से आज के मुकाबले में उतरे थे। क्या गजब की गेंदबाजी इस बंदे ने की, मिडिल ओवर्स में इनकी गेंद हरकत कर रही थी। जब ये गेंदबाजी करने आए तो हमारे कमेंटेटर्स इनको खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए, राशिद खान को बहुत कुछ कहते हुए नजर आए कि इंटेंट नहीं सही है अफगानिस्तान टीम के कप्तान का। इंटेंट तब सही होता जब किसी मुख्य गेंदबाज को यहां पर लगाया जाता, लेकिन क्रूशियल ब्रेक थ्रू लेकर आए। बात करें गुलबदीन नाइब की तो वहां पर उन्होंने स्टोइनिस का महत्वपूर्ण विकेट निकाला। वो जो स्टोइनिस और मैक्सवेल के बीच महत्वपूर्ण साझदारी हो रही थी, वो साझदारी जो अफगानिस्तान को डरा रही थी, वो साझदारी जो अफगानिस्तान के सपने को चकनाचूर करने वाली थी, उस साझदारी को गुलबदीन नाइब ने तोड़ी। फिर उसके बाद यहीं पर गुलबदीन नाइब नहीं शांत हुए, लगातार विकेट पे विकेट लेते गए, लेकिन वो विकेट जिसकी अफगानिस्तान टीम को सख्त जरूरत थी वो भी गुलबदीन नाइब ने ही दिलाई, मैक्सवेल का विकेट। वहीं पर ये साफ हो गया था कि अब यहां से अफगानिस्तान टीम को कोई नहीं रोकने वाला है। इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम वो ऐतिहासिक कारनामा 7 नवंबर 2023 वाला नहीं दोहरा पाएगी, क्योंकि इस बार उनके बीच में कौन आ गया है, गुलबदीन नाइब द बॉडी बिल्डर। गजब गजब आज उनकी गेंदबाजी रही। सिर्फ गुलबदीन ही नाइब नहीं, नवीन उल हक की भी जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है। शुरुआत में ट्रेविस हेड को पहले ओवर में बोल्ड मारना, सबसे बड़ी बात अपने कप्तान को कन्विंस करना कि नहीं मुझे पहला ओवर दीजिए, मैं ट्रेविस हेड को गेंद फेंकूंगा, और विकेट लेने के बाद मानो राशिद खान से कह रहे थे कि इसी वजह से मैंने आपको कन्विंस किया, इसी वजह से मैंने गेंद मांगी, क्योंकि मुझे ट्रेविस हेड को आउट करना आता है। बहुत शानदार। फिर उसके बाद मिचेल मार्श का भी नवीन उल हक ने विकेट लिया, वहीं पर मोमेंटम सेट किया। फिर बीच के ओवरों में जरूर मोमेंटम थोड़ा सा गड़बड़ाया अफगानिस्तान का, लेकिन गुलबदीन नाइब का जो 4 ओवरों का स्पेल रहा उसने पूरी तरीके से कंगारू टीम को यहां पर ध्वस्त कर दिया और अफगानिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिला दी। यहां पर अब ये ग्रुप ओपन हो गया है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें भारतीय टीम का जो नेट रन रेट है उसके चलते आप कह सकते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लेकिन दूसरी टीम कौन होगी ये आखिरी मुकाबले में ही जाकर पता चलेगा, क्योंकि भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला है, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला होगा, यानी कि कंगारुओं को भारत के खिलाफ हर हाल में जीत अर्जित करना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पर हारे तो फिर उनको ये उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराए, और हराए तो बड़े अंतर से, ना हराए तो पेच फंस जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है अगर हम बात करें स्थिति परिस्थितियों को देखें तो भारत से है, एक ऐसी टीम से जो अभी तक मुकाबले नहीं आ रही है, और ऐसी परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा दावेदारी भारतीय टीम की मजबूत है। वहीं उसकी तुलना में अफगानिस्तान का जो मुकाबला है वो आसान कहा जाएगा, बांग्लादेश टीम से है जिसको हराना जानते हैं, जिसको अक्सर हराते हुए आए हैं, और वो बांग्लादेश टीम जो अभी डीमोटिवेटेड है, जो अपने पहले 2 मुकाबले हार चुकी है, उसकी बल्लेबाजी फायर नहीं कर रही है, उसकी गेंदबाजी फायर नहीं कर रही है, तो अफगानिस्तान
के पास टास्क थोड़ा आसान है, ऑस्ट्रेलिया के पास चुनौती बहुत कठिन है। देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम की जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है। अफगानिस्तान के लड़ाके हर अपनी गलतियों से सीख लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन जरूर अभी भी इनको थोड़ा सा कार्य करना है कि जो प्रेशर के सिचुएशन में ये मोमेंटम खोते हैं वो मोमेंटम नहीं खोना है। अब ये बड़ी टीम बन चुके हैं, बड़ी टीम की तरह इनको खेलना होगा। थोड़ा बहुत गलतियां इस मुकाबले में भी हुई, अगर शायद मैक्सवेल टिक गए होते तो उन गलतियों को खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन एक बात खास रही कि फील्डिंग इनकी स्पॉट ऑन थी, जिस वजह से ये मुकाबले को अपने नाम कर पाए। अगर बात करें स्कोर कार्ड की तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान 148 रन बनाता है, गुरबाज 60 रन, इब्राहिम जड्डा ने 51 रन। उसके अलावा फिर जो ही वहां से सबकी साझधारी टूटती है पूरी अफगानिस्तान टीम ढह जाती है। जो अफगानिस्तान आराम से 160 165 की तरफ अग्रसर हो रहा था वो 148 पर रुक जाता है। कमिंस के नाम 3 विकेट, फिर से हैट्रिक लेते हैं पैट कमिंस, फिर उसके बाद जाम्पा के नाम 2 विकेट, स्टोइनिस के नाम 1 विकेट। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो वहां पर शुरुआत ही अच्छी नहीं रही। वहां पर ट्रेविस हेड पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं, खाता भी नहीं खोल पाते हैं। वार्नर 3 रन, मिचेल मार्श 12, मैक्सवेल अड़ जाते हैं, डट जाते हैं कि नहीं मैं जिताऊंगा अपनी टीम को। मगर गुलबदीन नाइब के आगे वो भी हार मान लेते हैं, 59 रन 41 गेंद। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी बैटल लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्कोर कार्ड पे तो मार्श दहाई क्रॉस करते हैं और स्टोइनिस दहाई क्रॉस करते हैं। उसके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज सिंगल डिजिट क्रॉस तक नहीं कर पाता है। नवीन उलग 3, फैजल अकफारूकी 0, अजमतुल्ला 1, नबी 1 और गुलबदीन नाइब 4 ओवर में 20 रन 4 विकेट। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन नाइब का स्पेल था। आज अफगानिस्तान के लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी है, 21 रन से मुकाबला जीता है, बदला खास ले लिया है, कंगारू टीम के लिए वर्ल्ड कप में जीना दुश्वार कर दिया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।